चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या सीखेंगे, आज का सेशन क्या होने वाला है, पहले इसके बारे में पता करेंगे हम लोग। असल में क्या होता है डिफरेंशिएशन, ये पहले जानेंगे, ठीक है? क्या होता है, क्या होता है डिफरेंशिएशन, क्या होता है पहले हम लोग ये सीखेंगे। फिर डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल, एक बार स्पेलिंग देख लीजिएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल का सही है कि गलत है, ठीक है? फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन भी हम लोग को जानना है, ठीक है? फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव क्या होगा अभी, और अपने लोगों को बताइए कि अभी डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, बताइएगा सभी को तब ना। ये दो चीज हम लोग आज कंप्लीट करेंगे पहले, अगर फिर समय बचता है तो आगे की चीजें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? दीपू कुमार गुड मॉर्निंग, इंजीनियर रजनीश कुमार अच्छा, रितु कुमारी गुड मॉर्निंग, एलियन गेमिंग गुड मॉर्निंग, शिवम कुमार गुड मॉर्निंग। चलिए डिफरेंशिएशन सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल जानने के लिए हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन का जानना जरूरी है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन हमें आना चाहिए, जो लोग जानते हैं बहुत बढ़िया बात है, जो लोग नहीं जानते हैं मैं थोड़ा सा बताऊंगा शॉर्टकट में, जो कि अभी काम चल जाए, जब काम चल जाए इतना पढ़ा लूंगा, बाकी हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन तो अलग से पढ़ने वाले ही हैं, ठीक है? अलग से हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमें थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा तो बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोग सीखेंगे, ठीक है? आइए जल्दी से हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन सीख लेते हैं, ठीक है? जल्दी से, ज्यादा वेट नहीं करेंगे हम लोग, शॉर्टकट में जल्दी जल्दी हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन सीखेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन फर्स्ट प्रिंसिपल जानने के लिए हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन जानना पड़ता है, ठीक है? बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है? बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोग अगर जानेंगे तो अभी हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल जान पाएंगे, और बाकी कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत ज्योमेट्रिक मीनिंग जानना होता है। तो हम तो कहते हैं कि इसको पहले नंबर में सीखेंगे, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन जानने के लिए हमें ग्राफ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ग्राफ कैसे पढ़ते हैं, तो हम लोग इतना दिन से तो सीख ही गए हैं ग्राफ कैसे पढ़ते हैं। तो ऐसा करते हैं हम लोग कि जब फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो उस समय समझने की कोशिश करते हैं, हम लोग स्टार्ट यहीं से करते हैं, थर्ड नंबर से, ठीक है? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और असल में डिफरेंशिएशन क्या होता है, वहां से बात समझ में आएगी। जैसे आगे बढ़ना चाहिए ना, इसे बढ़ क्यों नहीं रहा, प्रॉब्लम क्या है भाई? ठीक है, बढ़ रहा है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, कोई एक फंक्शन है, हमने मान लिया कि y इक्वल टू fx कोई एक फंक्शन है, ठीक है?
इसे हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं ड्रॉ करके कि कैसा है ये फंक्शन। थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, ध्यान से समझिए फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई एक फंक्शन है, इसे हम लोग ड्रॉ करेंगे और ऐसे ही रफ स्केच जैसा हम लोग ड्रॉ किए हैं, इसको वाई कह रहे हैं, इसको एक्स कह रहे हैं, और ये जो मेरा फंक्शन है इसी को हम लोग कह रहे हैं कि ये मेरा फंक्शन है। हम असल में चाहते क्या है कि ये जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट, इस पी पॉइंट पे हमें डेरिवेटिव टेंजेंट खोजना चाहते हैं। इस पी पॉइंट पे हम टेंजेंट खोजना चाहते हैं, पी पॉइंट को, ठीक है, टेंजेंट खोजना चाहते हैं पी पॉइंट पे। एक हम कलर ले लेते हैं, कोई दूसरा कलर, रेड कलर से, और हम लोग यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये टेंजेंट है और हम लोग इसका ये वाला एंगल हम ढूंढना चाहते हैं, ये टेन थीटा हम चाहते हैं ढूंढना। कैसे ढूंढे, तो एग्जैक्टली टेंजेंट तो हम लोग नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन कुछ दूसरा उपाय लगा के हम लोग कुछ और ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी आप समझिए, एक बार मैं इसको ड्रॉ करूं सही से, ये है, ये क्यू पॉइंट पे कट हुआ, और ये जो एंगल है, ये जो हमने व्हाइट कलर से लिया, ये टेंजेंट तो नहीं है, इसको हम लोग सेकेंट बोलते हैं, ठीक है। ये जो रेड कलर से है इसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, और जो व्हाइट कलर से है उसे हम लोग सेकेंट बोलते हैं। इसका नाम अगर एल देंगे, इसका नाम एम देते हैं, तो एल मेरा टेंजेंट है, ये हम चाहते हैं। एल जो है वो टेंजेंट है, स्पर्श रेखा कहते हैं हम लोग इसे, और एम को हम लोग सेकेंट कहते हैं, ठीक है। सेकेंट हमें टेंजेंट चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू। तो टेंजेंट खोजने के चक्कर में हम लोग क्या करेंगे कि पहले सेकेंट ढूंढेंगे, ठीक है, और इस सेकेंट को क्यू को नजदीक लाना है। क्यू को हमें क्या करना है, नजदीक लाना है। क्यू जो कट रहा है, थोड़ा थोड़ा इस एम को हम लोग इधर रोटेट करेंगे, एम को थोड़ा इधर लाएंगे, पी को फिक्स कर देंगे हम लोग, पी पॉइंट पे तो फिक्स कर देंगे। एम को जैसे जैसे इधर नीचे लाएंगे, ये जो एम है इस लाइन को अगर नीचे लाएंगे, तो ये लाइन अब ऐसे था, तो थोड़ा सा ऐसे आएगा, थोड़ा सा ऐसे, तो एम को ला ला के ऐसे नीचे एम के बराबर, एल के बराबर रख देंगे। रेड लाइन पे हम लोग ओवरलैप करवाना चाहते हैं उससे, तो जैसे ही रेड लाइन पे ओवरलैप हो जाएगा तो मेरा जो सेकेंट है वो टेंजेंट बन जाएगा। यहां तक बात समझ में आएगी, नहीं हम क्या समझाना चाह रहे हैं, आप लोग ये बात समझे कि नहीं, चैट में आप लोग लिखिए, ठीक है, लिखिए जल्दी से। हम जो समझाना चाह रहे हैं बात, वो समझ में आएगी नहीं, हम लोग क्या करने वाले हैं, असल में टेंजेंट ढूंढना चाहते हैं, लेकिन टेंजेंट ढूंढना बड़ा मुश्किल है। हम क्या करेंगे कि एक पी क्यू है, इसका सेकेंट ढूंढ लेंगे, ठीक है, इसको सेकेंट कहते हैं पी क्यू को, जिसको एम हम लाइन कह रहे हैं, और एम को धीरे धीरे घुमा घुमा के हम लोग एल पे ओवरलैप करेंगे, एल पे लाएंगे, और अब वो टेंजेंट बन जाएगा। सेकेंट को हम लोग टेंजेंट बनाने वाले हैं। ओम प्रकाश गुप्ता को कौन सा बात समझ में नहीं आया, बताइए भाई। ये पहले जानना जरूरी है कि हम लोग करने क्या वाले हैं। हम लोग इस सेकेंट को, जो एम है लाइन, जो कि पी क्यू के मिलाने से बना है, उसे हम लोग घुमा के यहाँ लाते हैं एल पे। अब जो सेकेंट है वो टेंजेंट बन जाएगा, स्पर्श रेखा बन जाएगा पी पॉइंट पे, और मेरा मेन एम है टेंजेंट ही खोजना, मेरा मेन एम है, हम ये खोजना चाहते हैं। अब बताइए, अब इसका टेक्निक समझ जाएंगे ना, हम लोग कैसे इसको ढूंढ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो पी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट को हम कह रहे हैं कि एक्स कॉमा वाई है, और जो क्यू पॉइंट है, असल में यहां से अगर आप ध्यान से देखिए ऐसे, तो ये वाला एक्स है, और यहां से क्यू को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये तो थोड़ा सा बड़ा है,
एक्स तो है नहीं, ये कितना बड़ा है हम बीच में कहेंगे कि ये डेल्टा एक्स है, और ये जो पॉइंट है इसे हम कह रहे हैं कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। बात समझ में आई? थोड़ा सा बड़ा है, और इसे हम लोग वाई कह रहे हैं, ये असल में वाई है, इसे हम लोग कह रहे हैं कि वाई। ये वाला क्या है? ये जो मेरा है, ये वाला, इसे हम लोग कहेंगे, ये पूरा यहां से यहां तक ये वाला डेल्टा वाई है, यहां से लेके यहां तक, आप ध्यान दीजिए। तो ये मेरा क्या बन गया? ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये मेरा बन गया वाई प्लस डेल्टा वाई। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? पूरे लेंथ यहां से यहां तक मेरा y प्लस डेल्टा y है, और ये वाला लेंथ मेरा y है, और ये डेल्टा y। उसी तरह से यहां भी समझ लेते हैं। तो सबका कुछ नाम दे देते हैं, जैसे इसका नाम हम a दे देंगे, इसका नाम b दे देंगे, इसका नाम हम लोग c दे देते हैं, और इसका नाम d दे देते हैं। यहां तक बात समझ में आई? अब बताइए, अगर हम डेल्टा एक्स को कम करेंगे, तो डेल्टा एक्स को कम करेंगे तो लाइन अब दूसरा बनने लगेगा। डेल्टा एक्स को कम करने के बाद लाइन मेरा दूसरा बनने लगेगा। तो अगर हम यहां से ऐसे ड्रॉ करें और इसका नाम हम एम दे दें, तो ध्यान से देखिए, एंगल एंगल क्यू पी एम जो है, ये मेरा थीटा बन जाएगा। इसको हम अलग अलग जगह पे लिखते हैं, यहां पे दिख नहीं रहा है। ये बात अगर आप समझते हैं तो आगे का कहानी समझ में आएगा क्यों करते हैं। बाकी डिफरेंशिएशन करने के लिए तो सब कोई कर ही देते हैं, यहां पे हम लोग को डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं ये जानना जरूरी है। हम कह रहे हैं कि यहां पे पहले नाम दे देते हैं हम लोग, इसका नाम आर रख देते हैं, ठीक है। एंगल आर पी एम को हम थीटा कह रहे हैं, जो कि हमें खोजना है, जो कि हमें ढूंढना है। एंड हम ये कह रहे हैं, इसको मैं कहाँ लिखूं, यहां लिख लेते हैं कि एंगल अगर डेल्टा एक्स को जीरो की तरफ करेंगे, अगर छोटा करेंगे, तब डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो होगा, तब एंगल क्यू पी एम, ये एंगल एंगल आर पी एम बन जाएगा, ठीक है। हम ये कह रहे हैं, ये बात समझ में आएगी नहीं? डेल्टा एक्स को हम छोटा करते जाएंगे तो ये जो एम लाइन है वो एन लाइन बन जाएगा। जो एम लाइन है, व्हाइट वाला जो लाइन है, ये व्हाइट वाला जो लाइन है, ये रेड वाला लाइन बन जाएगा। कब? जब हम डेल्टा एक्स को छोटा करते करते जीरो कर देंगे, ये बी पॉइंट ए पॉइंट बन जाएगा, ठीक है कि नहीं? जो बी पॉइंट है वो ए बन जाएगा, डेल्टा एक्स को हम टेंस टू जीरो करेंगे, तो जब ये ए बन जाएगा तो वो भी लाइन ये बन जाएगा। हम लोग इसी कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं कि ट्रेंगल क्यू पी एम में एंगल ढूंढते हैं, क्यू पी एम, ठीक है, टेन क्यू पी एम ढूंढते हैं हम लोग, टेन क्यू पी एम, टेन एंगल क्यू पी एम, कौन सा ट्रेंगल में, यहां पे लिख देंगे इन ट्रेंगल क्यू पी एम, ठीक है। इस ट्रेंगल में हम लोग
टेन क्यूपीएम का वैल्यू क्या होगा आप बताइए। टेन क्यूपीएम का वैल्यू होगा क्यू एम बाई पी एम, यहां पे लिख देते हम लोग क्यू एम बाई पी एम, ठीक है। क्यू एम और पी एम का वैल्यू कितना है तो हम लोग यहां पे देख रहे हैं क्यू एम का वैल्यू डेल्टा वाई और पी एम का वैल्यू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। तो अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अगर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो कर दें तो टेन क्यू पी एम जो है वो टेन थीटा बन जाएगा, क्योंकि क्यू पी एम थीटा बनने वाला है, क्यू पी एम आर पी एम के बराबर बन जाएगा जो कि थीटा है अगर डेल्टा एक्स को जीरो करेंगे। तो इसी को हम कहते हैं कि ये असल में लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो रहा है जब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स में डेल्टा एक्स को हम टेंस टू जीरो कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट को आप ध्यान से समझिए, ये बहुत जरूरी, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? यही असल में हमें चाहिए था, टेन थीटा चाहिए था। इसे हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। और यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे डेल्टा वाई को हम लोग हम लिख सकते हैं वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ऐसा लिख सकते हैं इसको। और हम लोग दूसरा तरह से क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो और वाई प्लस डेल्टा वाई को हम लिख सकते हैं इफ वाई प्लस नहीं, इसे हम लोग लिखेंगे इसे हम लोग लिखेंगे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। और यही मेरा है टेन थीटा, या इसी को हम कहेंगे डी वाई बाय डी एक्स। ये मेरा फॉर्मूला बन गया कि डी वाई बाय डी एक्स क्या होता है, असल में वो टेन थीटा होता है, स्लोप होता है जिसमें डेल्टा एक्स टेंस टू को हम जीरो कर देते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं? आप हमें बताइए चैट में लिख के जल्दी से कि हम लोग क्या किए। अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल सीख सकते हैं। ये बात अपने आप को कन्वेंस करना है, अगर कन्वेंस कर पाएंगे तभी आप सीख पाएंगे, नहीं तो नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, आप बताइए। ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चंदन पूछ रहे हैं कि ग्रुप बी का है, बिल्कुल सही क्वेश्चंस हैं। अब ये पता करना है कि सिलेबस एक बार आप देखिए, सिलेबस देखिए कि डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कौन से ग्रुप वालों के लिए है, ठीक है। सिलेबस देख के आप समझिए कि कौन से ग्रुप वाले के हैं, दोनों में से किसी को पढ़ना है। मिथिलेश कुमार बोल रहे हैं कि ग्राफ को एक बार रिपीट कीजिए, ठीक है। मैं ग्राफ फिर से ओपन कर दे रहा हूँ। ग्राफ को ध्यान से देखो, ग्राफ में हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम असल में टेंजेंट खोजने वाले हैं पी पॉइंट पे। ये जो पी पॉइंट है इस पॉइंट पे हम टेंजेंट खोजने वाले हैं, इस लाइन का टेन थीटा ढूंढने वाले हैं असल में।
ये टेन थीटा अचानक हम ढूंढ नहीं पाएंगे, तो हम क्या करते हैं कि ये सेकेंड ढूंढते हैं, जो पी क्यू लाइन है ये पी क्यू का एंगल ढूंढेंगे कि पी क्यू जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, क्योंकि पी पॉइंट हमें पता है और क्यू भी पता है। पी कितना है एक्स कॉमा वाई और क्यू कितना है एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है, ये है वैल्यू। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे कि क्यू पी एम जो एंगल है ये ढूंढेंगे। अब बताइए कि डेल्टा एक्स को हम छोटा करते जाएंगे, डेल्टा एक्स इतना बड़ा है अभी फिलहाल के लिए, तो अगर हम इसे छोटा करेंगे डेल्टा एक्स को, तो ये छोटा होगा, छोटा होगा तो ये एम लाइन क्या होगा और नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा ना। तो जैसे जैसे ये डेल्टा एक्स को अगर हम जीरो करते तो एम जो लाइन है सेकेंड जो है वो एल बन जाएगा, रेड कलर का लाइन बन जाएगा, इसको छोटा करेंगे तब। हम लोग वही अप्रोक्सीमेशन लिए कि अगर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो जाए तो एंगल क्यू पी एम जो है वो एंगल आर पी एम बन जाएगा, जो कि हमें चाहिए। वही बात यहां लिखा हुआ है, आप यहां से देखिए कि अगर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो जाएगी, लिखा हुआ है डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, तो एंगल क्यू पी एम वो क्या बन जाएगा, आर पी एम बन जाएगा, जो कि थीटा है, हमें वही चाहिए। तो हम लोग क्यों ना पहले क्यू पी एम ढूंढ लें, तो इसलिए हम लोग क्या किए कि टेन थीटा क्यू पी एम ढूंढ लिया हमने, टेन क्यू पी एम हम लोगों ने ढूंढ लिया, ये टेन क्यू पी एम। उसके बाद क्यू एम बाई पी एम है, फोटो में देखिए यही को हम लोग कह रहे हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और चूंकि डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो कर दिए तो ये जो टेन क्यू पी एम है यही तो टेन थीटा बन गया, इसी को हम लोग कह रहे हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, आप देखिए डेल्टा वाई को हम लोग वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई लिख सकते हैं, और यही तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, वाई प्लस डेल्टा वाई ही तो मेरा है एक्स, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और माइनस वाई के जगह पे एफ एक्स लिख दिए नीचे डेल्टा एक्स, इसी को हम लोग बोलते हैं टेन थीटा या डी वाई बाई डी एक्स। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये समझ में आ गई तो हम लोग जहां कहीं भी फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालना होगा कोई भी फंक्शन वाई है उसका, तो हम लोग ये करने वाले हैं एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, जहां पे डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो करेंगे हम लोग। अब बात समझ में आई कि नहीं, अब बताइए। बात समझ में आ गई। अब हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से कोई भी चीज का फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग निकाल सकते हैं। आइए हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से सीखते हैं, और अभी सीखने के दौरान ये बात समझ में आएगी कि क्यों हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन आना चाहिए। तो अभी हम लोग को प्रॉब्लम होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ने में, इसलिए फिर हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन सीखेंगे। चलिए आइए एक एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और इसका डेरिवेटिव खोजना है विथ रिस्पेक्ट टू x, मीन्स हमें dy वाई बाई डी एक्स खोजना है बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल के हेल्प से हमें dy वाई बाई डी एक्स ढूंढना है। अभी हम लोग देखे हैं, हम लोग जानते हैं कि एज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, हम लोग अभी सीखे हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ये हम लोग जानते हैं। वाई को ही हम लोग एफ एक्स कहते हैं, वाई को ही एफ एक्स कहते हैं, ये नहीं भूलना है, हम शुरू से ही यही बता रहे हैं, y ही एफ एक्स है, एफ एक्स ही वाई है, ये हम लोग जानते हैं। अब चलिए एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा, एफ एक्स हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा, एफ एक्स मेरा एक्स स्क्वायर है तो एफ एक्स प्लस डेल्टा, एफ टू क्या होगा तो एक्स की जगह पे टू रखेंगे, एफ थ्री क्या होगा तो एक्स की जगह पे थ्री रखेंगे,
एफ आम क्या होगा, तो एक्स के जगह पे आम रख दो थे, अभी आम का स्क्वायर बन जाएगा। तो उसी तरह से एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा, तो एक्स के जगह पे हम लोग एक्स प्लस डेल्टा एक्स रख देंगे और होल स्क्वायर था तो है। फिर से एफ एक्स मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर है तो है होल डिवाइडेड बाई क्या हो गया, डेल्टा एक्स। अब हम लोग इसे क्या करेंगे कि अभी तो हम लोग जानते हैं लिमिट खोजना है, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, हम लोग जानते हैं एक्सपेंशन। यहीं पे अगर पावर में 100 दे दू तो कैसे एक्सपेंड कीजिएगा, ए प्लस बी का पावर 100 का एक्सपेंशन हमें तो नहीं आता है, इसीलिए बाइनोमियल थ्योरम जानना पड़ता है। एक्स प्लस वाई का पावर 1/2 दे देंगे, इसका कैसे करिए, इसका भी तो एक्सपेंशन नहीं जानते हैं ना, इसीलिए हम बोल रहे थे कि हमें बाइनोमियल थ्योरम जानना पड़ता है क्योंकि एक्सपेंशन आ सकता है बीच में। फिलहाल हम लोग इसका एक्सपेंशन जानते हैं, इसका एक्सपेंशन जानते हैं तो एक्सपेंड कर देंगे, करते हैं अभी। क्या होगा एक्सपेंशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है, ये हो गया। तो यहां से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल, अब डेल्टा एक्स दोनों में बांट देंगे, बांट दीजिए लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, यहां पे क्या बचेगा, डेल्टा एक्स बांटेंगे तो 2x प्लस यहाँ पे डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो करेंगे तो फाइनल आंसर क्या होगा, 2x। मीन्स dy बाय dx इक्वल टू 2x आंसर हुआ, बात समझ में आई। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव देख लिए कि उसका आंसर होगा 2x, ये तो आसान था। ये बात समझ में आई कि नहीं कि हम लोग कैसे सॉल्व किए, हम लोग जानते थे कि dy बाय dx ऐसा होता है, फिर रख दिए सॉल्व, फिर लिमिट ढूंढना है, लिमिट ढूंढने के लिए हमें एक्सपेंशन की जरूरत पड़ती है, एक्सपेंड करते हैं इस होल स्क्वायर वाले टर्म को। होल स्क्वायर वाले टर्म का एक्सपेंशन हम लोग जानते हैं, बचपन से सीखे हुए हैं, छठी क्लास से सीखे हुए हैं, इसलिए हम लोग कर पा रहे हैं। लेकिन अगर पावर 100 हो, पावर 1/2 हो या कोई और भी चीज हो, उसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे, तो हर एक चीज का एक्सपेंशन मोस्टली टाइम हमें एक्सपेंशन की जरूरत पड़ती है, एल्जेब्रिक का हम लोग करते हैं तो, इसलिए बाइनोमियल थ्योरम जानना पड़ता है। अब बात समझ में आई क्यों हम लोग बाइनोमियल थ्योरम सीखना चाहिए हमें, और फर्स्ट प्रिंसिपल से उसका यूज हमें पड़ता है, बात समझ में आएगी नहीं, आप लोग देखिए यहां तक बात समझ में आए कैसे सॉल्व हुआ। अगर बात समझ में आई तो लिखिए आप, ओके बहुत बढ़िया। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो है आंसर तो हम लोग ढूंढ लिए, ये बता क्या रहा है, आंसर तो हम लोग ढूंढ लिए, तो ये असल में बता क्या रहा है कि dy बाई dx कोई फंक्शन था एफ एक्स, उसका डेरिवेटिव हम लोग निकाले फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो 2x मिला। मीन्स मेरे पास एक फंक्शन था एफ एक्स जिसको वाई कह रहे हैं, जो कि एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव जो है उसका आंसर हमें मिला 2x, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। तो इसका मीनिंग हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बताता है, ठीक है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोग समझते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है। देखिए आपका एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है कि पूछेगा कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, लेकिन इसका अप्लीकेशन तो आना चाहिए कि ये क्या बता रहा है। इसका मतलब ये है कि एक ग्राफ हम लोग बनाते हैं एक्स स्क्वायर का, कौन सा फंक्शन का, एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं और सीखे हुए भी हैं कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है, एकदम सिमेट्री होगा, मेरा फोटो में उतना सही नहीं बना, इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन एकदम ऐसे बराबर होगा, एक्स स्क्वायर, जैसे जैसे हम लोग एक्स बढ़ाते हैं इसका आउटपुट बढ़ते जाता है, ठीक
जीरो रखेंगे, जीरो वन रखेंगे, वन टू रखेंगे, फोर थ्री रखेंगे, नाइन फोर रखेंगे, 16, तो बढ़ रहा है ना, इधर थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, इधर ज्यादा बढ़ रहा है। तो असल में डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 2x मिला, इसी को हम लोग स्लोप कहते हैं। ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, ये मेरा स्लोप है, स्लोप का वैल्यू 2x है, मतलब अलग अलग एक्स पे स्लोप अलग अलग है। इस एक्स इक्वल टू जीरो पे स्लोप जीरो है, यहाँ स्लोप की जगह पे जीरो रखिए, एक्स इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं तो स्लोप बढ़ रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और स्लोप बढ़ रहा है। तो हमें अगर कोई पूछेगा कि एक्स इक्वल टू वन पे स्लोप क्या है, ये रहा एक्स इक्वल टू वन, ये रहा एक्स इक्वल टू वन, इस जगह पे स्लोप क्या है, इस जगह पे स्लोप मेरा है ये वाला, इस जगह पे स्लोप मेरा है ये वाला, ये स्लोप है। तो ये एंगल कितना बना रहा है, उसका टेन थीटा को हम लोग स्लोप कहते हैं, यही तो स्लोप है। ये स्लोप असल में वैल्यू है 2x एट x इक्वल टू वन, जिस जगह पे चाहिए हमें स्लोप उस जगह पे वैल्यू रखना पड़ेगा। मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो आया स्लोप 2, मतलब टेन थीटा का वैल्यू 2 है। इस जगह पे अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तब उसी तरह x इक्वल टू जीरो पे क्या स्लोप है, तो जीरो, यहाँ पे जीरो रख देंगे हम। स्लोप डी वाई बाई डी एक्स मतलब स्लोप, और जब भी हमें स्लोप ढूंढने की बारी आएगी तो हम लोग उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, और डेरिवेटिव निकालने के बाद किस पॉइंट पे स्लोप पूछा जा रहा है उस जगह पे लिखेंगे। हमें कोई पूछ रहा है स्लोप एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो स्लोप मतलब डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पे हमें चाहिए, एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू तो 2x था, तो 2 × 0 इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो पे स्लोप जीरो है। देखिए है भी जीरो, स्लोप मतलब होता है कि कितना चढ़ान है कितना उतरान है। अभी प्लेन है, प्लेन मतलब स्लोप जीरो, थोड़ा सा ऐसे आ गए थे, इधर पे स्लोप थोड़ा सा है, अभी स्लोप और ज्यादा है, पॉजिटिव स्लोप। चढ़ान मतलब पॉजिटिव स्लोप, उतरान मतलब निगेटिव स्लोप। अगर मैं बोलूं कि यहां से अगर उतरना है, यहां से तो यहां से आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए उतरना पड़ रहा है कि चढ़ना पड़ रहा है, उतरना पड़ रहा है, तो इधर निगेटिव स्लोप है, इधर का स्लोप निगेटिव है। अगर आप यहाँ पे हैं, यहां से अगर आपको आगे जाना है एक्स तरफ, तो आगे जाने के लिए क्या होगा, चढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप मतलब चढ़ान, निगेटिव स्लोप मतलब उतरान, और स्लोप जीरो मतलब लेवल में, एकदम लेवल में है तो स्लोप जीरो है। तो कोई भी फंक्शन का किसी भी पॉइंट पे स्लोप अगर चाहिए तो हम लोग ऐसे सोचते हैं, और डेरिवेटिव ही स्लोप बताता है। तो डेरिवेटिव का मतलब तोड़ना नहीं होता है, बहुत लोग आपको ये बताएंगे कि डेरिवेटिव मतलब तोड़ना और इंटीग्रेटर इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, तो डेरिवेटिव मतलब तोड़ना नहीं है, डेरिवेटिव का मतलब स्लोप किस रेट से चेंज हो रहा है। dy by dx मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब y चेंज हो रहा है कितना स्पीड से, अगर x को चेंज कर रहे हैं, x का y का रेट चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये स्लोप बताता है फंक्शन ग्राफ में। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आप लोग चैट में लिखिए जल्दी से, जल्दी से चैट में लिखिए। ठीक है, नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि सिलेबस ग्रुप में डाल दिया जाएगा, जरूर डाल दिया जाएगा। अगर ठीक है जरूर, ये बात समझ में आई कि नहीं, डिफरेंशिएशन वाली बात बताइए, डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझ में आया कि नहीं, जल्दी से लिखिए चैट में डिफरेंशिएशन क्या बताता है। अगर आप ग्रुप बी में हैं तभी सीखिए, ग्रुप ए में हैं तभी सीखिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऐसा चीज है कि आपको जानना पड़ता है। आप वेलोसिटी पढ़े होंगे, यस, मुकेश विश्वकर्मा को समझ में आ गया। आतिश कुमार को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ से कोई फायदा नहीं होने वाला है, आप यहाँ पे सीखिए, सीखिएगा तो हमेशा दिमाग में पीडीएफ बनाइए। आप कॉपी में पीडीएफ बना के फोन में पीडीएफ रख के कोई फायदा नहीं है, ये बेसिक चीज है, ठीक है। रितु कुमार को भी समझ में आ गया।
पीडीएफ के चक्कर में रहने से कोई फायदा नहीं है। अब सीखिए डेरिवेटिव का मतलब क्या है, इसका यूज फिजिक्स में जबरदस्त है, इसलिए बोलते हैं कि मैथ बहुत जरूरी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को ही तो वेलोसिटी कहते हैं, वहां भी स्लोप है, ठीक है, वहां भी स्लोप है। जैसे अभी और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं असल में स्लोप कैसे है, इसको फिजिक्स से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी ध्यान से समझिए, एक थोड़ा सा हमें समय दीजिए, बहुत मजा आने वाला है। जैसे कोई कोई हमें ग्राफ दे दिया, ग्राफ है, हम लोग बना देते हैं ग्राफ, ठीक है। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, एक्स पोजीशन है, टी टाइम है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, हमने बोला कि एफ टी, इसी को एक्स कह रहे हैं और ये असल में टी स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। और इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा ग्राफ नहीं है, इसको हम लोग मिटाएंगे, ठीक है, इसको हम लोग ग्राफ को सॉल्व करते हैं। तो ग्राफ इसका कुछ ऐसा है, ये ग्राफ है टी स्क्वायर का, टी स्क्वायर का ग्राफ है। तो हमें कोई पूछा कि टाइम के साथ इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, ये असल में हम मान लेते हैं कि मीटर में नाप रहे हैं, ठीक है, ये मीटर में नाप आ रहा है, टी स्क्वायर मीटर। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है पोजीशन चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगा, हम लोग जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, पोजिशन रेट चेंज, पोजिशन का रेट चेंज है। यहां देखिए फिर डेरिवेटिव आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हम लोग इसी को तो अभी सीखे हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। और यहां पे क्या सीखे हैं, एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी होल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, यही तो है। और इसको अभी सोल्व किए थे हम, ले टी स्क्वायर के फंक्शन में है, एक्स स्क्वायर वाला भी सीखे थे, तो इसका आंसर आया हमें 2t, इसको सोल्व किए थे हमें कितना मिला 2t। ये वेलोसिटी है, असल में ये स्लोप है ग्राफ में, स्लोप ग्राफ में है, ठीक है, ये ग्राफ में स्लोप बताता है हमेशा, जो डेरिवेटिव है वो ग्राफ में स्लोप बताता है, स्लोप देखिए। अब हमें कोई पूछेगा कि 2 सेकंड पे क्या होगा वेलोसिटी, 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगा, तो 2 सेकंड टी इक्वल टू टू पे स्लोप क्या होगा वो ढूंढना पड़ेगा। तो टी इक्वल टू टू कहाँ है, इसमें यहां पे होगा, हमने मान लिया कि ये टी इक्वल टू 2 सेकंड है, तो टी इक्वल टू 2 सेकंड पे स्लोप हम बना के देखेंगे कि कितना है। तो टी इक्वल टू टू पे स्लोप कुछ ऐसा होगा, यहाँ रेड कलर से हम बना देते हैं ताकि आपको सुविधा हो, ठीक है। तो t इक्वल टू टू पे स्लोप हम ये बनाने की कोशिश करते हैं, ये स्लोप है। तो ये जो है इसको हम लोग टेन थीटा कहते हैं, अब तो यही मेरा स्लोप है, t इक्वल टू टू पे चाहिए हमें, तो ये तो स्लोप का फॉर्मूला है हर जगह 2t, इसमें हम लोग 2 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्लोप एट t इक्वल टू 2 सेकेंड इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड इक्वल टू 2 × 2 इक्वल टू 4, ये असल में मीटर पर सेकेंड है, तो मेरा स्लोप मिला 4 मीटर पर सेकेंड, ये स्लोप का वैल्यू है, बात समझ में आई। तो इस तरह से मैथ को हम लोग फिजिक्स में अप्लाई करते हैं, ये आप लोगों को समझ में आया होगा, डेरिवेटिव मतलब होता है स्लोप, बात समझ में आई, डेरिवेटिव का मीनिंग है स्लोप। ये बात समझ में आई कि नहीं, अभी जो हमने एप्लीकेशन बताया ये बात समझ में आई कि नहीं, स्लोप यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव है। अभी हम लोग सिखाए हैं कि ग्राफ में अगर कोई हमें बोलेगा चलने के लिए, तो ग्राफ में हमें जाने के लिए क्या चढ़ना पड़ रहा है, ऊपर चढ़ने के लिए पॉजिटिव स्लोप, बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ जल्दी से चैट में लिख के। बाकी फर्स्ट प्रिंसिपल में एक फॉर्मूला याद करना है और बाकी हमें
एक्सपेंशन करके ढूंढते रहना पड़ता है, बाकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग 4-5 क्वेश्चंस करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन भी सीख लेंगे ताकि एक्सपेंशन का यूज हमें बार बार करना पड़ता है। आप बताइए, बात समझ में आई? चैट में लिखिए जल्दी से अगर बात समझ में आ गई। चंदन कुमार बोल रहे हैं बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। रितु कुमारी बोल रही है बात समझ में आ गई, चलिए नीतीश कुमार को भी समझ में आ गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब हम लोग कुछ खतरनाक क्वेश्चन सॉल्व करने के कगार पे हैं। कुछ खतरनाक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ खतरनाक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। खतरनाक क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन पहले सीखते हैं। आइए हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन सीखते हैं। जैसा हम बताएं कि बाइनोमियल एक्सपेंशन सीखना जरूरी है फर्स्ट प्रिंसिपल को सॉल्व करने के लिए, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन अब हम लोग सीखते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन, एक चीज बताइए आप लोग कि जो मैं अभी लिख रहा हूं ये थोड़ा सा पतला कलम से हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा पतला हो गया है, सही से दिख पा रहा है क्या कि मोटा कलम से ही लिखे? इतना सही है कि मोटा कलम से ही लिखे, बताइए। मैंने पेन अपना चेंज किया है इसे मोटा कलम। बिरन कुमार बिरन, गुड मॉर्निंग। इतना पतला कलम ठीक है या मोटा कलम मुझे एक बार बताइए आप। ठीक है मोटा से ही लिख देते हैं, ठीक है मोटा से ही लिख देंगे, मोटा से ही लिख देंगे। अब हमें समझ में आ गया। ओके, बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोग सीखने वाले हैं, इसको ध्यान से सीखिए। ये अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर फर्स्ट प्रिंसिपल से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फिर नहीं कर पाएंगे आप। और बाइनोमियल एक्सपेंशन तो हमें जानना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तो क्यों ना हम लोग सीख लें। बाइनोमियल एक्सपेंशन में केवल हम लोग एक्सपेंशन सीखेंगे, ऐसे पढ़ना तो बहुत सारा कुछ है, एक चैप्टर भी होता है, लेकिन फिलहाल हम लोग को जरूरत है एक केवल एक्सपेंशन का, तो केवल एक्सपेंशन वाला पोर्शन ही हम लोग सीखें, ठीक है। और बाकी जब बाइनोमियल चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे और भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन से रिलेटेड। तो हमें ये जानना है कि एक्स प्लस वाई का पावर एन होगा, इसको हम लोग क्या लिखें? इसके लिए एक एक मैं बता रहा हूं कि क्या लिखते हैं। इसको जानने से पहले हम पूछें कि एक्स प्लस वाई का पावर 2 है, इसका क्या होता है फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर प्लस 2 XY प्लस वाई स्क्वायर। ये कैसे हम लोग सोल्व किए थे? तो एक्स वाई और एक्स वाई को 2 बार हम लोग मल्टीप्लाई किए थे तो आया था बारी बारी करके। उसी तरह से मैं बोलूं कि एक्स प्लस वाई का पावर 3 को सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स क्यूब प्लस 3 X² Y प्लस 3 Y² X प्लस वाई क्यूब, ये मिलेगा हमें। इसको 3 बार हम लोग गुना किए थे तब हमें ये मिला था। लेकिन एक्स प्लस वाई का पावर अगर 100 हो, ये हमें कोई पूछे, तो एक्स प्लस वाई हमें 100 बार गुना करना पड़ेगा, और ऐसा करने में हमें बहुत समय लगेगा। हम लोग ऐसा चाहते हैं, ऐसा करने में बहुत समय लगेगा, बहुत मुश्किल है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए कुछ तरीका निकाला जाए। तो तरीका निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसे हम लोग ऐसा लिख देते हैं, एन सी जीरो एक्स का पावर एन
वाई का पावर 0, ठीक है। फिर उसके बाद एन सी वन एक्स का पावर एन माइनस वन एंड वाई का पावर 1 प्लस एन सी टू एक्स का पावर एन माइनस टू वाई का पावर 2, ऐसे ही लिखते जाएंगे, ऐसे ही हम लोग लिखते जाएंगे। कितने टर्म होंगे ये देखिए, ये पहला टर्म रेड कलर से मैं लिख रहा हूं, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, उसी तरह से इसमें कितने होंगे, जब पावर 2 है तो मेरे पास 3 टर्म है, जब पावर 3 है तो मेरे पास 4 टर्म है, जब पावर एन है, पावर एन होने से कितने टर्म होंगे, एन प्लस वन, तो यहां पे लास्ट वाला चला जाएगा मेरा प्लस में एन सी एन एक्स का पावर 0 वाई का पावर एन, ये मेरा लास्ट टर्म है, ठीक है। तो अगर इन सबको गिनेंगे हम तो ये मेरा एन प्लस वन टर्म है इसमें टोटल, जैसे इसमें 3 टर्म थे एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर में और एक्स प्लस वाई होल क्यूब में 4 टर्म थे, एक टर्म ज्यादा है, जितना पावर है उसमें से एक टर्म ज्यादा है, तो वैसे ही एक्स प्लस वाई का पावर एन में टोटल कितने टर्म होंगे, तो एन प्लस वन टर्म होंगे इसमें, टर्म कितने होंगे, एन प्लस वन। बात समझ में आई कि नहीं बताइए, बात समझ में आई। चलिए ये हम लोग एक्सपेंशन सीख गए हैं, एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं कि एक इसमें नया टर्म आ गया है या नया बात लिखा हुआ है, जो कि हम लिख रहे हैं एनसी जीरो, ये एनसी जीरो क्या है, एनसी वन क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। जब ये बातें हम लोग समझेंगे तो फिर हम लोग इस एक्सपेंशन के बारे में और अच्छे से समझ जाएं। तो एक चीज समझिए आप कि एन सी आर अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, इसका मतलब ये है, और एन फैक्टोरियल का मतलब होता है एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू, ऐसा ही होता रहेगा और लास्ट तक जाएगा। जैसे अगर हमें कोई बोलेगा कि 5 फैक्टोरियल कितना होगा, तो 5 × 4 × 3 × 1, अगर हम हमें कोई बोलेगा कि 100 फैक्टोरियल कितना होगा, तो 100 × 99 × 98 × जो भी है 97, ऐसे गुना करते जाना है एक तक गुना कर देंगे हम लोग बोलेंगे कि 100 फैक्टोरियल, जहां कहीं भी ऐसा फैक्टोरियल दिखे तो हम लोग इसको ऐसा कहते हैं, ये एनसीआर का मतलब था, ठीक है। एनसीआर लिखा हुआ है इसका मतलब ये है, अगर कोई बोलेगा कि एन सी जीरो का वैल्यू क्या होगा, तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस जीरो का फैक्टोरियल इंटू जीरो फैक्टोरियल, तो इससे हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू में हम लोग को मिलने वाला है 1, कैसे, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1, ये याद कर लीजिए। क्यों ऐसा होता है, जब हम लोग पढ़ेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो वहां पे प्रूफ करके हम बताएंगे कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 क्यों होता है, ठीक है। फिलहाल आपको ये रट लेना है कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है और 1 फैक्टोरियल का भी वैल्यू 1 होता है, ये दोनों का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अभी हम लोग ये नहीं पढ़ रहे हैं कि क्यों होता है 1, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, आप लोग चैट में लिखिए जल्दी से, जल्दी से चैट में लिखिए, यहां तक बात समझ में आई, आगे बढ़े जल्दी से। चलिए बीरन कुमार बीरन को आतिश को भी समझ में आ गया, ये बातें समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। तो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वो कॉम्बिनेशन परमुटेशन है, हम लोग वो पढ़ेंगे, क्यों ऐसा होता है वो रीजन हमें नहीं जानना है, बस ये हम लोग सीख गए थे, ठीक। तो अभी हम लोग अपने सवाल पे आते हैं जो कि हमें सीखना है। अगर मैं बोलूं कि वन प्लस एक्स का पावर
एन इसका क्या होगा, तो एन सी जीरो वन का पावर एन एक्स का पावर जीरो प्लस एन सी वन एक्स का पावर वन और वन का पावर एन माइनस वन प्लस एन सी टू वन का पावर एन माइनस टू एक्स का पावर टू, ये ऐसा ही होते रहेगा। अब कहाँ तक जाएगा, एन सी एन वन का पावर जीरो एक्स का पावर एन, यहाँ तक होगा। एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू ये सब का वैल्यू ढूंढ के देखते हैं कि क्या मिलता है। ठीक है, तो एन सी जीरो का वैल्यू अभी हम लोग देखे थे एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस जीरो का फैक्टोरियल इंटू जीरो का फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस जीरो फैक्टोरियल मतलब एन फैक्टोरियल इंटू जीरो फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल कट गया, जीरो फैक्टोरियल मतलब वन, इसका आंसर आया वन। उसी तरह से एन सी वन का वैल्यू ढूंढ के हम लोग देखते हैं एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू वन फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल का वैल्यू वन, एन फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल पहले से है। देखिए हम लोग पांच फैक्टोरियल को 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लिख सकते हैं, और 4 × 2 × 1 को 4 फैक्टोरियल तो हम लोग लिख ही सकते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि जब 5 फैक्टोरियल को 5 × 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं तो एन फैक्टोरियल को भी एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है? हम लोगों ने यही वाला टेक्निक यहाँ पे यूज किया है कि एन फैक्टोरियल को एन माइनस वन फैक्टोरियल, ये दोनों कट गया, इसका आंसर कितना मिला एन। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग एन सी टू का वैल्यू खोजेंगे तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, इसको सोल्व करेंगे तो एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई एन माइनस टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, ये दोनों कट गया, इसका आंसर हमें कितना मिला एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल। आप पैटर्न देख रहे होंगे, इसका आंसर क्या मिलना चाहिए, एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू होल डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल, इसका ये मिलना चाहिए। तो ऐसे ही हम लोग सब ढूंढेंगे और लास्ट में एन सी एन का वैल्यू ढूंढ लेंगे, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जीरो फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल, ये काट पीट के फिर से वन दे देगा। हम लोग देख रहे हैं कि ये एक्सपेंशन जो है पहला टर्म दूसरा टर्म क्या क्या बन रहा था, पहला टर्म वन दूसरा एन तीसरा एन, तो ऐसे हम लोग इसे लिखने की कोशिश करते हैं वापिस से, वन प्लस एक्स का पावर एन को हम लोग लिख देंगे वन इंटू और कुछ है नहीं, वन इंटू वन का पावर एन और एक्स का पावर जीरो प्लस दूसरा क्या होगा एन इंटू वन का पावर एन माइनस वन एक्स का पावर वन। ठीक है, तीसरा टर्म क्या होगा एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल वन का पावर एन माइनस टू इंटू एक्स का पावर टू, ऐसे ही होते जा रहा है, ऐसे ही होते जा रहा है, और लास्ट में क्या हमें मिल रहा है एक्स का पावर एन, एक्स का पावर एन मिल रहा है। तो अच्छा, इसके साथ फैक्टोरियल वाला टर्म भी तो मल्टीप्लाइड है, ऐसे ही है, तो इसको हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं, वन प्लस एक्स का पावर एन मीन्स वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल इंटू एक्स पावर क्यू, ऐसे ही होते जा रहा है। हम लोग ये चीज सीख गए कि ये ध्यान से देखिए, हमने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने एन सी जीरो, ये जो है एन सी जीरो
NC1, NC2, NC3 ये सबके जगह पे वैल्यू रखा, जो जो हम लोगों ने वैल्यू ढूंढा। जैसे NC0 का वैल्यू 1 आया, NC1 का वैल्यू n मिला, NC2 का वैल्यू क्या मिला, n इंटू n माइनस 1, 2 फैक्टोरियल। तो ये सारा वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, पुट करने के बाद ये मिला और फाइनल हमें एक्सपेंशन ये मिला। तो हमें यही एक्सपेंशन सिखाना था, यही एक्सपेंशन हम लोग यूज करने वाले हैं, यही एक्सपेंशन हम लोग यूज करने वाले हैं, इस चीज को नहीं भूलना है। ठीक है, जहां कहीं भी बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे तो हम लोग यही यूज करने को, ये एक्सपेंशन को याद कर लीजिए कि 1 प्लस x का पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा, 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू x स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू x3। ये पूरा ऐसी लास्ट तक चलते रहेगा, एक्स के पावर एन तक, टोटल n+1 टर्म में। अब बात बताइए, ये वाला एक्सपेंशन समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से लिखिए। ये एक्सपेंशन याद कर लेना है कि ऐसा होता है एक्सपेंशन, 1 प्लस x का पावर n का एक्सपेंशन ये होता है। अगर ये एक्सपेंशन समझ में आ गया तो हम लोग डिफरेंशिएशन का एक बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं अभी तुरंत, जो कि बहुत मजा आने वाला है। तो चैट में आप लोग लिखिए और मुझे बताइए कि ये बातें समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से जल्दी से हमें बताइए ये बातें समझ में आई कि नहीं आई, चैट में जल्दी से लिखिए। जल्दी से चैट में बात समझ में आई। आतिश कुमार बोल रहे हैं कि आ गया। एक्सटेंशन को हम लोग यूज करेंगे और अब की बार हम लोग एक डेरिवेटिव सीखने वाले हैं, वो डेरिवेटिव क्या है ध्यान से देखिए। हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या सॉल्व करना है वो समझना है। ठीक है, तो फाइंड, यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन ये रहेगा, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। सवाल ये होगा, यानी कि हम बोल रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर एन गिवेन है और मुझे चाहिए डी एफ एक्स बाई डी एक्स, ये हमें चाहिए। या इसी को हम कह रहे हैं कि y इक्वल टू गिवन है, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, या इसी को हम f प्राइम x भी कहते हैं, f प्राइम x भी कहते हैं। हमें ये ढूंढना है, सवाल ये है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करने के लिए हम लोग तो अब सीखे हुए हैं, हम लोग तो पहले से जान रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स, हम लोग ये जान रहे हैं एस डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ये हम लोग पहले से जान रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो एक एक करके पहले वैल्यू हम लोग ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे रखना होगा, ये हम लोग जानते हैं, इक्वेशन वन आप इसको मान सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स चाहिए, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स का पावर एन होगा, होगा कि नहीं, ये वैल्यू होगा। और इसे हम लोग क्या करते हैं कि एक्सपेंड करते हैं, हम लोग इसे कोशिश करते हैं कि एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो इसे आइए हम लोग एक्सपेंड करते हैं, और अभी हम लोग सीखे थे इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स अगर बाहर करेंगे तो यहाँ पे 1 बन जाएगा और यहाँ पे डेल्टा एक्स बाई एक्स, इसका पावर क्या बन जाएगा, एक्स, इसको होल पावर होगा, यहाँ पे होल
होल पावर होगा, ठीक है, ये होल पावर। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसको सही से लिख देते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स का पावर एन, देखिए पावर एन दोनों के पास जाएगा, इसके पास भी और इसके पास, तो वन प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स का पावर एन, इसे एक्सपेंड करना है हमें, इसे हमें एक्सपेंड करना है, ठीक है। थोड़ा देर के लिए हम लोग मान लेते हैं इसका एक्सटेंशन करते हैं, ठीक है, वन प्लस इसका नाम कुछ दे देते हैं, इसका थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं लेट डेल्टा एक्स बाय एक्स को हम कह रहे हैं कि ये डेल्टा एक्स, ऐसा हमने मान लिया, थोड़ा देर के लिए मान लिया, ये बार बार लिखने से बचने के लिए हम लोग ऐसा मान लिए, नहीं तो आप उसको भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। एक्स का पावर एन वन प्लस डेल्टा एक्स का पावर एन, अभी हम लोग सीखे थे वन प्लस एक्स का पावर एन का एक्सपेंशन क्या होता है, तो उसी पे हम लोग इसको फिट कर देते हैं, तो फिट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, तो वन प्लस डेल्टा एक्स का पावर एन, ये क्या हो जाएगा, वन प्लस डेल्टा एक्स प्लस, एक बार एक्सपेंशन देखिए, एन इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, ये देखिए एक्सपेंशन, ध्यान से देखिए, एक्स के जगह पे मेरा डेल्टा एक्स हो गया है, एक्स के जगह पे डेल्टा एक्स हो गया, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां हम लोग डेल्टा एक्स रखते हैं, ठीक है, जहां जहां एक्स है वहां वहां डेल्टा एक्स, एन माइनस वन टू फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू बाई थ्री फैक्टोरियल डेल्टा एक्स का पावर थ्री, ऐसा ही होता रहेगा, ये पावर थ्री है, ठीक है, डेल्टा एक्स का पावर थ्री हमने उसमें सिंपली फिट कर दिया, ये तो हमें वैल्यू मिल गया, ये भी मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन वन से इसे हम लोग वहां पे पुट करते हैं, आप ध्यान से देखिए इक्वेशन वन, इसमें हमें एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स चाहिए था, एफ एक्स पता है डेल्टा एक्स, तो ये सबको हम लोग यहाँ पे रखते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन, अब की बात से नाउ बाय इक्वेशन वन, इक्वेशन वन से हमें क्या मिला, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है तो एक्स का पावर एन प्लस क्या मिला हमें, तो एक्स का पावर एन इनटू ये पूरा एक्सपेंशन वाला टर्म, पूरा एक्सपेंशन वाला टर्म हम लिख देते हैं वन प्लस एन इनटू डेल्टा एक्स बाय एक्स, क्योंकि इस डेल्टा एक्स के जगह पे अभी हम लोग देख रहे थे कि डेल्टा एक्स बाय एक्स लिख देना है, ये हम लोग माने हैं, यहां से देखिए ये हम लोग माने हैं, तो वापिस हम लोग उसी वैल्यू को रख देंगे, प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये ऐसा ही होता रहेगा, तो मेरा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू कंप्लीट हुआ, माइनस एफ एक्स का वैल्यू एक्स का पावर एन है, अब ये सबको क्या करना है हमें, डिवाइड करना है, किससे, सबको डिवाइड करना है हमें, देखिए सबको डिवाइड करना है, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा हो जा रहा है, कोई बात नहीं, ये सबको डिवाइड करना है हमें डेल्टा एक्स, ठीक है, यहाँ पे यही था, देखिए हम लोग ये क्या किया, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, इसको रख दिया, डेल्टा एक्स पहले से था, हमने उसका वैल्यू रख दिया, इतना रखने के बाद अब क्या करते हैं कि एक्स का पावर एन सबको दे देते हैं, सबको एक्स का पावर एन दे देते हैं अंदर में, एक्स का पावर एन हम लोग बांट देंगे, तो एक्स का पावर एन देंगे तो एक्स का पावर एन मिलेगा प्लस एन इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू एक्स का पावर एन प्लस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल एक्स का पावर एन इंटू अच्छा डेल्टा एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है,
ये सब ऐसे होते जा रहा है, माइनस एक्स का पावर ए, यहाँ पे माइनस वाला टर्म हम अच्छे से लिख देते हैं, इधर छूट जा रहा है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस एक्स का पावर एन, और सबको क्या से डिवाइड करना है, सबको हमें डिवाइड करना है डेल्टा एक्स, ये एक्स का पावर एन कट गया, ये मेरा बचा हुआ है टर्म। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एन इंटू डेल्टा एक्स और एक्स का पावर एन माइनस वन बन गया। देखिए एक्स का पावर एन माइनस वन यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स का पावर एन माइनस टू इंटू डेल्टा एक्स का पावर पावर टू, प्लस नेक्स्ट टर्म होता जाएगा, ये अपना चलता रहेगा, ठीक है। सब टर्म को यहाँ पे लिख के होल डिवाइड कर देंगे डेल्टा एक्स से। अब क्या करते हैं कि डेल्टा एक्स से सबको डिवाइड कर देते हैं, डेल्टा एक्स सब में बांट देते हैं, इसमें डेल्टा एक्स सब में बांटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा एक्स बांटने से डेल्टा एक्स कट जाएगा इसके पास देंगे तो एक्स का पावर एन माइनस वन, प्लस यहाँ पे डेल्टा एक्स बांटेंगे तो एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल एक्स का पावर एन माइनस टू डेल्टा एक्स, क्योंकि दो पावर है तो एक तो कट गया, ऐसे ही बाकी टर्म में भी डेल्टा एक्स रहेगा, इधर भी डेल्टा एक्स टर्म है सब में, अब की नेक्स्ट टर्म जो आएगा डेल्टा एक्स का पावर टू रहेगा, इधर डेल्टा एक्स वाले टर्म है, तो डेल्टा एक्स को जीरो करेंगे तो ये तो जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या, सिंपली बचेगा एन एक्स का पावर एन माइनस वन, जो कि यही है मेरा डी वाई बाई डी एक्स जो हमें चाहिए था। हेंस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का पावर एन बाई डी एक्स, इसका वैल्यू होगा एक्स का पावर एन माइनस वन, ये हुआ मेरा आंसर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आप बताइए चैट में, बताइए मैं देख पा रहा हूं कि नहीं, आप चैट में लिखिए। इस तरह से फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग सॉल्व करते हैं कि क्या होना चाहिए, ठीक है। एक्सपेंशन बहुत जरूरी है, एक्सपेंशन आप सीखेंगे तो सारी चीजों को आप सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे साइन एक्स का भी अगर हमें चाहिए फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव, तो उसमें भी हमें यही करना होता है, ठीक है, उसमें भी एक्सपेंशन जानना होगा, तो साइन एक्स का एक्सपेंशन कॉस एक्स का एक्सपेंशन जानना हो तभी आप सोल्व कर पाएंगे, इसलिए एक्सपेंशन हर एक चीज का सीख लीजिए। ओके अतीश कुमार को समझ में आ गया बात, तो एक्सपेंशन मैं साइन और कॉस का बता दे रहा हूं, और फिर उसके हेल्प से आप साइन के फर्स्ट प्रिंसिपल का फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव खोज सकते हैं। तो उसका एक्सपेंशन के लिए हम लोग एक चीज सीखने की कोशिश करते हैं, एक एक्सपेंशन हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, ई का पावर एक्स, इसका एक्सपेंशन होता है वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल एक्स क्यू बाई थ्री फैक्टोरियल एक्स फोर बाई फोर फैक्टोरियल, ये देखिए ई पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है, ठीक है, ये ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन है। ये चीज ऐसा होता है, जब हम लोग बाइनोमियल पढ़ेंगे तो वहां पे और अच्छे से सीखेंगे कि यही क्यों होता है, लेकिन ये हम कह रहे हैं कि e के पावर x का एक्सपेंशन, ये e के पावर x का एक्सपेंशन है, ऐसा क्यों है वो चीज हम लोग सीख सकते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन मुझे लग रहा है बोरिंग ना हो जाए इसलिए हम लोग इसको यहीं पे छोड़ देते हैं।
ई पावर एक्स ऐसा होता है, हम लोग को जानना चाहिए, एज वी नो हम कर दे रहे हैं, ठीक है, याद कर लेना पड़ेगा आपको। एक चीज आप याद करेंगे तो आपको बाकी चीजें याद नहीं करनी पड़ेगी। जैसे ई का पावर एक्स का एक्सपेंशन आपको याद है तो साइन एक्स और कॉस एक्स का एक्सपेंशन आप आसानी से जान सकते हैं। इसके बाद एक चीज और सीखते हैं हम लोग कि ई का पावर आई थीटा को हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये भी ऐसा होता है, ई का पावर आई थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, ठीक है, ये हम लोग ऐसा जानते हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। एक ये फॉर्मूला हो गया, ये दो चीज आप जानिए, ठीक है, तब आप साइन का एक्सपेंशन और कॉस का एक्सपेंशन जान पाएंगे। तो आप बताइए कि ई का पावर आई थीटा का एक्सपेंशन क्या होगा, वन प्लस आई थीटा प्लस आई थीटा का होल स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस आई थीटा का होल क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस आई थीटा का होल पावर फोर बाई फोर फैक्टोरियल, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स के जगह पे आई थीटा है, जब यहाँ एक्स था तो हम लोग ऐसा लिख सकते थे, तो आई थीटा रहेगा तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। और आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, पहले से आप लोग को बहुत पहले से पता है कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो हम लोग इसको कैसा लिखेंगे, ई का पावर आई थीटा इक्वल टू 1 प्लस आई थीटा माइनस थीटा स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल। अब इसके जगह पे क्या होगा, आई स्क्वायर -1 यानी कि माइनस आई थीटा क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल, इसके जगह पे माइनस माइनस प्लस हो गया थीटा 4/4 फैक्टोरियल, ऐसा होते जा रहा है। हम लोग इसमें क्या करते हैं कि रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म को अलग अलग करते हैं, मतलब आई वाला को एक साथ लिखते हैं और बिना आई वाला को एक साथ लिखते हैं। चलिए लिखते हैं 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस थीटा 4/4 फैक्टोरियल माइनस थीटा 6/6 फैक्टोरियल, ऐसा होता जाएगा। ये हमने लिख दिया बिना आई वाला का, अब आई वाला को एक साथ लिखते हैं, आई थीटा माइनस आई थीटा क्यू बाई थ्री फैक्टोरियल, फिर क्या हो जाएगा आपकी बात, माइनस होगा प्लस हो जाएगा आई थीटा 5/5 फैक्टोरियल, ऐसा होता जाएगा। अब ध्यान से देखिए, सब में से हम आई को कॉमन आउट करेंगे, जितने भी आई हैं ये सबको हटा के हम क्या करने वाले हैं, ये सब आई को हम बाहर करने वाले हैं, ये सब आई को हम बाहर कर देते हैं, बाहर तो कर ही सकते हैं। यहाँ पे ये जब बाहर हो गया, इससे हम लोग क्या करेंगे कि कंपेयर करेंगे, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ रेड कलर से घेर रहा हूं, ये जो कॉस थीटा है वो यही है, वो यही है, और ये जो साइन थीटा है वो यही है। इससे हमें ये पता चला कि साइन का एक्सपेंशन और कॉस का एक्सपेंशन क्या होता है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा मतलब थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल माइनस या प्लस होगा इसके बाद ना, प्लस थीटा 5/5 फैक्टोरियल, ये ऐसा होते रहे। एंड कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस थीटा 4/4 फैक्टोरियल माइनस आगे वाले टर्म आएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये चीज आप लोगों को याद कर लीजिए, थीटा का एक्सपेंशन एंड कॉस थीटा का एक्सपेंशन, साइन थीटा का एक्सपेंशन क्या होता है और कॉस थीटा का एक्सपेंशन क्या होता है। तो ये दोनों साइन थीटा और कॉस थीटा के एक्सपेंशन के हेल्प से आप साइन का
फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, साइन का क्या होगा। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, मुझे पूरा उम्मीद है यहां तक अगर आप समझे हैं तो आप मुझे चैट में लिखिए कितनी बातें समझ में आई। अगर समझ में आ गई तो अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन लेते हैं और उसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन आपको पहले से पता होना चाहिए, अगर एक्सपेंशन पता होगा तो आप कर पाएंगे। बात समझ में आई? चलिए आइए हम लोग साइन का डेरिवेटिव सीखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। क्वेश्चन मेरा है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से हमको इसका एक्सपेंशन चाहिए, मीन्स वाई इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू एफ एक्स है और हमें पूछा गया है डी साइन एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा बाई फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो अभी हम लोग सीखे हैं, एज वी नो, हम लोग क्या जानते हैं, एज वी नो हम लोग ये जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पे क्या होगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ये हम लोग जानते हैं। तो एफ एक्स प्लस साइन एक्स क्या होगा, इसे हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कर देते हैं, एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ये हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, इस साइन एक्स प्लस डी एक्स को एक फॉर्मूले पे हम लोग तोड़ देते हैं और हम लोग को फॉर्मूला जानते हैं कि साइन सी प्लस डी क्या होता है, साइन डी सी प्लस डी क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो साइन सी प्लस डी के एक्सपेंशन में मतलब साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला क्या होता है वो बताइए आप लोग, चैट में एक बार लिखिए, तो मैं देख रहा हूँ, चैट में देख रहा हूं, एक बार आप बताइए साइन सी प्लस डी क्या होता है। अब बताइए चैट में साइन सी प्लस डी क्या होता है। या साइन सी माइनस डी, साइन सी माइनस डी क्या होता है ये हम लोग फॉर्मूला जानना पड़ेगा, साइन सी माइनस डी। तो साइन सी माइनस डी को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, हम लोग फॉर्मूला को एक बार लिख देते हैं, साइन यहाँ पे लिख देते हैं एज साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये होता है ना फॉर्मूला, दोनों प्लस में होता है। ठीक है, ये भी प्लस में, ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि साइन सी माइनस साइन डी होता है, यहाँ पे हम लोग वही वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलने वाला है कि साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स
माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, टू कॉस सी प्लस डी, सी प्लस डी करेंगे तो हमें मिलेगा टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू इंटू साइन डेल्टा एक्स बाई टू, ये हमें मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, ये जब वैल्यू मिला तो सिंपली मल्टीप्लीकेशन में है तो इसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिमिट बांट देंगे हम लोग, इसे हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। वापिस इक्वेशन वन में, इक्वेशन वन में हम लोग वापिस पुट करेंगे तो dy बाई dx क्या होगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो टू कॉस टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू इंटू साइन डेल्टा एक्स बाई टू होल डिवाइडेड बाई क्या है मेरा, सबको डिवाइड कर देना डेल्टा एक्स से। अब ये टू को हम काट के हम क्या करते हैं कि नीचे रख देते हैं, और ये रेड कलम से हम घोर इसको इसको हम घेर रहे हैं। इसको आप ध्यान से देखिए, ये सबको देखिए, डेल्टा एक्स इसका वैल्यू हमें क्या मिले बताइए, ये हमें वन दे देगा, ये हमें क्या दे देगा, वन। हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स बाई एक्स का लिमिट वन होता है, तो ये तो वन हो गया रेड कलर वाला, बाकी जो बचा उसे हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। बाकी जो बचा हम लोग इसे लिख रहे हैं, तो बाकी मेरा क्या बचा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू, और डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो करेंगे तो मेरा आंसर मिलेगा कॉस एक्स, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स होता है आंसर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आप चैट में लिखिए जल्दी से बताइए, ये बात समझ में आ गई हम लोग कैसे किए। अगर समझ में आ गई तो हमें लिखिए जल्दी से, एक्सटेंशन वाला भी कोई भी यूज करते हैं इसलिए उसको सोचना नहीं। एक्सटेंशन आप लिमिट खोजने में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लिमिट भी हम लोग ढूंढते हैं तो वहां पे बात अगर समझ में आ गई तो यहीं पे बंद करते हैं आज, और इसमें एक दिन हम लोग आएंगे तो और भी बहुत सारा क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम को हम लोग इसी मेथड से करते हैं, ऐसे ही करना है, यानी कि लिमिट वाला पोर्शन आपको आना चाहिए कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अगर बातें समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया। आतिश कुमार बहुत बढ़िया, आप लास्ट तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग आज डिफरेंशिएशन सीख गए, वीरन कुमार वीरन थैंक यू। फिर हम लोग जब नेक्स्ट डे मिलेंगे तो कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज तक इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में, और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ और सीखने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद।